I don't wanna go to the other side. I don't wanna know what I leave behind. Come and show me the way. हे गाइस, तो अभी हम ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं, आपके लिए सरप्राइज है। बहुत लोगों ने बोला था कि आपको फ्री स्टाइल का रिव्यू चाहिए। ये देखिए, फ्री स्टाइल अब आ गई आपके सामने। गाड़ी दिखा देता हूँ, ये देखिए गाड़ी ऐसी लगती है। बहुत पुरानी है और डीजल है, तो मैं अंदर का भी दिखा देता हूँ आपको। बेसिक मॉडल है और इंटीरियर इसका कुछ ऐसा लगता है, देखिएगा आप लोग। स्पेस सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस वगैरह कैसा है। तो गाइस, कपिल जी, तो हम उनसे सवाल पूछ लेते हैं। मैं बता देता हूँ, जो ये गाड़ी है इनकी फ्री स्टाइल डीजल है। और हाँ, ये कब ली थी आपने और कितनी चला ली है, वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सर, अगर मैं गाड़ी की बात बताऊँ तो इसको अभी नवम्बर में 2 साल हो जाएंगे। ये फोर्ड की फ्री स्टाइल थी, मैंने डीजल, मेरी रनिंग थोड़ी ज़्यादा थी तो इस हिसाब से मैं एक डीजल गाड़ी भी देख रहा था। तो अगर मैं किलोमीटर की बात बताऊं तो अभी तक मैं अप्रोक्स 28,000 चला चुका हूं। 2 साल में 28 चला चुका। हाँ, बीच में भी थोड़ा ये लॉकडाउन की वजह से रुक गया, नहीं तो थोड़ा और किलोमीटर ज़्यादा हो सकते थे। तो अगर मैं अपनी बाइंग एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे फोर्ड की गाड़ी है, थोड़ा निगेटिविटी रहती है मार्केट में, तो वो मैंने भी फेस करी थी कि जैसे पूछते हैं तो कि भाई गाड़ी कैसी है, तो निगेटिव ही मिलने थे तो कमेंट वगैरह। तो फिर ये था कि, लेकिन एक मेरा फ्रेंड था, वो फोर्ड की इको स्पोर्ट ऑन कर रहा था। अच्छा। तो उस टाइम पे 2018 में उन्होंने अप्रोक्स 2 लाख किलोमीटर के आसपास वो गाड़ी चला ली थी। क्या बात कर रहे हो, 2 लाख चला ली थी उन्होंने। हाँ। कितने साल में? उन्होंने 4-5 साल में चला ली थी जब गाड़ी लॉन्च हुई थी उन्होंने फर्स्ट, तभी उन्होंने वो गाड़ी ली थी 2018 में। उन्होंने 2 लाख चला के उन्होंने फिर दोबारा से इको स्पोर्ट लिए। तो मैंने उन्हीं से कंसर्न करा था क्योंकि इसमें भी 1500 cc का इंजन आ रहा था, डीजल इंजन लेना था। देखो, मेन बात इंजन की होती है। आप गाड़ी कोई सी भी लो, अगर आप इंजन अच्छा है गाड़ी का तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं उस गाड़ी को। और सर्विस वगैरह का था, एक कि सर्विस काफ़ी जैसे था कि भाई काफ़ी पहले बहुत हाई थी, इसमें कोई झूठ भी नहीं है पहले। अच्छा, ये कब हाई था, कौन सी? अगर जब इको स्पोर्ट लॉन्च हुई है उससे पहले की जितने भी जो फोर्ड आईकॉन वगैरह, जो क्योंकि 1998 से है फोर्ड इंडिया में। हाँ, बिल्कुल। तो 2013 तक जब फोर्ड की फीगो भी आती थी, पहले वाला जो फर्स्ट जनरेशन मॉडल है, तो उसकी भी डीजल की सर्विस थोड़ा हाई थी, पेट्रोल में फिर भी ओके थी। तो लेकिन जब से इको स्पोर्ट आई है तो इन्होंने अपनी सर्विस पे काफ़ी काम किया है। तो मैंने उनसे सर्विस का भी पूछा था कि आपकी सर्विस का मतलब क्या चार्जेस आते हैं लेने से पहले। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि 5,000 to 6,000 आते हैं मेरे चार्जेस। हाँ, डीजल के चार्जेस मैं बता रहा हूँ। तो उसमें फिर मुझे भी ये था क्योंकि मेरे पास मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर भी है जो 5-6 साल हो चुके हैं। पेट्रोल में डीजल, वो पेट्रोल की गाड़ी है। तो उसकी अभी तक हमने जितनी भी सर्विस करवाई हैं वो ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर ही करवाई है। उसका हम भी ग्रेटर नोएडा में है तो यहाँ पे उन मारुति का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। तो वहीं से जो उसकी अगर सर्विस प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स 6,000 to 7,000 उसकी भी पड़ती है, स्विफ्ट डिज़ायर की सर्विस सेंटर की बात करें। इसकी कितनी पड़ती है? इसकी भी अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी भी सर्विस क्या कॉस्ट पड़ती है। तो मेरे जो माइंड में था कि कंपैरिजन एक आ गया था कि अगर एक पेट्रोल गाड़ी की मारुति का, जबकि देखो नाम है कि उसके पार्ट्स भी इजी अवेलेबल हो जाते हैं और सर्विस भी सस्ती है, क्योंकि मारुति का जो देखो फर्स्ट टाइम जो कस्टमर होता है वो सर्विस पे नहीं जाता, वो मारुति के नाम पे जाता है। बिल्कुल नाम पे जाता है, ठीक है, क्योंकि इतनी गाड़ियां बेचते हैं वो लोग। और इस वजह से वहाँ पे कस्टमर, अगर उनके सर्विस सेंटर की भी बात करें, बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल, आपको खुद ही जाके मतलब उनको कहना पड़ता है बार बार कि भाई नंबर मेरा जल्दी से कैसे आ जाए। और अच्छा, फिर मारुति में ये, हाँ, क्योंकि देखो कस्टमर उनका ज़्यादा है, बड़े हुए हैं, तो फिर थोड़े प्रॉब्लम तो आती है उसमें, उनका भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे माइंड में क्लियर हो गया था कि हाँ भाई, अगर मैं डीजल की बात करूँ तो मुझे डीजल 5 to 6 में मेरी सर्विस हो जा रही है, वो भी ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से, तो मेरे लिए ओके था उस टाइम पे। फिर जब मैंने गाड़ी ली तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था क्योंकि मेरा बजट का देखो सबका इशू रहता ही है। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि सस्ते में अच्छी गाड़ी मिल जाए। जो
कोई भी पहली बार लो या दूसरी बार लो, उनका ये रहता है कि कम से कम पैसे में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि जब मैं भी सोच रहा था तो मैंने तीन गाड़ियाँ कंसिडर करी थी। पहली थी मारुति की बलिनो, उसमें 1250 cc का इंजन आता था डीजल की वो भी, तो वो था, मारुति का इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरी गाड़ी थी हुंडई की i20 थी, उसका बेस मॉडल भी था। अच्छा। और फिर तीसरी आपकी फोर्ड फ्री स्टाइल लॉन्च हुई थी। और तीनों बजट में आ रही थी? तीनों, हाँ, मतलब अगर पसंद की बात थी तो बजट मतलब बढ़ सकता था, लेकिन मेरा बजट जो था वो अप्रोक्स 7 lakh का था। ये मुझे ऑन रोड 7 lakh में पड़ी है बेस मॉडल। तो उस टाइम पे अगर मारुति बलिनो की बात करूँ तो वो 7,40,000 में आ रही थी, और अगर i20 की बात करो तो 7,60,000 में आ रही। सबसे सस्ती ये थी, सबसे सस्ती आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये पड़ रही थी। और इसके साथ प्लस पॉइंट ये था कि इसका इंजन उन दोनों गाड़ियों से सबसे ज़्यादा इसका पावरफुल इंजन था। 100 PS की ये पावर जनरेट करता है, 1500 cc का इंजन था। और फिर मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली थी, तो गाड़ी जो चलाने में जो एक भाई हर बंदे का एक नेचर होता है गाड़ी चलाने का, तो मेरा थोड़ा सा ये था कि भाई ड्राइविंग की तरफ ज़्यादा है कि गाड़ी अगर आप हाई स्पीड पर मान लो क्रूज़ करते हो तो सबसे मेन बात यह है कि आप उसको हाई स्पीड पर कंट्रोल कितने अच्छे से वो गाड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको एक्सीडेंट देखो कभी नहीं पता चलता, कभी भी हो सकता है, पूछ के चाहे आपकी गलती से हो चाहे किसी दूसरे वाले की गलती से हो। तो मेन बात यह था कि कंट्रोल गाड़ी का, ड्राइविंग इसकी मुझे उनसे बेटर लगी। और सर्विस की भी बात बताऊँ तो मैंने मारुति का भी कंसर्न करा था, तो मारुति का भी 7,000-8,000 रुपये बलिनो का डीजल का वो भी बता देते, ये 5,000-6,000 थी। और i20 का भी सेम 7,000-8,000 रुपये का ही था। तो आपके बहुत से व्यूअर कहेंगे कि सर्विस पे शायद कमेंट करें कि हुंडई की i20 की जी नहीं कम हो सकती है। देखो बाहर की अगर बात करेंगे तो बाहर तो सबकी कम हो जाएगी, अगर आप मुझसे पोलो की भी बात करेंगे सबसे ज़्यादा सर्विस फोक्सवैगन की होती है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं होती। ये कोई क्रिटिसाइज नहीं है, ये हकीकत है। तो आप अगर मल्टी ब्रांडेड सर्विस सेंटर पे भी करवाते हैं, अगर ऑथराइज मतलब मल्टी ब्रांडेड वाले जो होते हैं, तो उन पे सबकी अप्रोक्स कम ही पड़ती है। तो ये है कि हर आप बंदे का अपना गाड़ी लेने का एक पर्पस है। मुझे एक ड्राइविंग पसंद थी तो मैंने ये चूज़ करी। अगर मुझे थोड़ा ड्राइविंग कम, और मुझे ये था कि अगर मेरी गाड़ी मतलब पार्ट्स ईजिली अवेलेबल हो जाए, मान लो मैं कहीं ऐसी जगह रहता हूँ कि जहाँ पार्ट्स की दिक्कत है, तो शायद मैं बलिनो कंसिडर करता। बिल्कुल मेक सेंस। लेकिन मैं रहता दिल्ली NCR में हूँ, मेरी ड्राइविंग भी यही है। और आजकल जो गाड़ी का हो गया है कि भाई लोग बाग ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रूज़ करते हैं आजकल गाड़ियों से, अब वो वाला टाइम हो ख़त्म हो गया कि जी मुझे A to B जाना है तो मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आजकल लोग बाग अपने मतलब ट्रैवलिंग के लिए बहुत यूज़ करते हैं, तो उस वजह से ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जब आप हाईवे पर चलो तो सॉलिड हो, क्योंकि सेफ्टी अगर आप, मैंने तो बेस मॉडल है मेरा, इसमें आपको दो एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसके आपको टॉप मॉडल में 6 एयरबैग मिलते हैं। तो सेफ्टी भी पूरी थी उस टाइम पे। और अगर आप वैसे भी बात करें पावर की भी बहुत अच्छी थी, सर्विस भी इकोनॉमिकल थी, तो उस हिसाब से मैंने ये गाड़ी थोड़ी बेस स्टाइल चूज़ करी थी उस टाइम पर। थैंक यू, आपने इतना सारा एक ही बार में बता दिया। थैंक यू। क्योंकि आपने जो गाड़ी ली थी ना पूरी R&D की है, तीन गाड़ी चूज़ की थी, फिर उन्होंने इकोनॉमिकल देखी है, सेफ गाड़ी देखी है, फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी देखी, इनका जो एनालिसिस था ना बहुत अच्छा था। सही बोला आपने, मारुति के पार्ट्स अवेलेबल है, लेकिन आप इनको चलानी ही NCR में है मैक्सिमम, तो फिर अगर पार्ट्स उसके मिल ही जाएंगे तो इस हिसाब से इनका जो डिसीजन था ना परफेक्ट, नंबर 1। तो ये सब कुछ बता दिया कितनी चली है, कौन सा मॉडल है। अब इसके ना पॉजिटिव से हम शुरू करते हैं। इस गाड़ी में, क्योंकि आपने मारुति की भी चलाई है, भले वो पेट्रोल थी ये डीजल है, तो इसमें पॉजिटिव आपको क्या लगता है इस गाड़ी में? जैसे मैं मारुति की डिज़ायर जैसे चलाता हूँ उसको भी, तो उसमें क्या होता है कि 60 तक तो पिकअप बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही 80 के बाद पहुँचेगी तो इंजन मतलब आता है समझ में कि हाँ पिकअप थोड़ा कम होता जाए। इसका एक मेन रीज़न है जो पेट्रोल का जो सिलेंडर होता है ना वो छोटा, मतलब सिलेंडर छोटा होता है तो RPM ज़्यादा होता है, तो उसका जो इनिशियल पिकअप होगा अच्छा होगा और रेस में भी अच्छी होगी। क्योंकि डीजल का क्या होता है कि जो सिलेंडर बड़ा होता है तो इसका जो इनिशियल होगा उतना नहीं होगा, लेकिन जो मिड रेंज है ना ऑसम। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव पहला यही है कि इसका इंजन की पावर के साथ साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छा है। कितना मिलेज दे रही है? अगर आप मतलब नॉर्मल ड्राइवर हैं, अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, लाइट फुट पैडल रखते हैं, तो आप हाईवे पे अप्रोक्स इसका 80 की स्पीड पे 25-26 निकाल सकते हैं। वंडरफुल। अगर आप थोड़ा सा तेज चलाते हैं, मतलब मैं 100 ही बोलूँगा, 100 या 110 चलाते हैं, तो तब भी आपको ये गाड़ी 23 के आसपास का माइलेज फिर भी देगी, 22-23 आराम से मिलेगा। अगर आप क्रूजिंग की बात करेंगे तो नो डाउट आपको थर्ड गियर के बाद
आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितनी स्पीड चाहिए। क्योंकि प्लस अगर मैं बताऊँ आपको सेफ्टी का जो रीज़न था, ये गाड़ी 7 लाख रुपए में जब मैंने ली थी, अब तो खैर इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गए हैं, अगर टॉप मॉडल की भी बात करूँ तो वो मेरे ख्याल से 9.5 लाख रुपए के आसपास है इसका। तो डिस्काउंट के बाद जिसका भी जिस सिटी में देखो जितना भी बनता है, लेकिन आप अप्रोक्स 9.5 लाख रुपये मान के चलें, तो आज की डेट में भी 9.5 लाख रुपये में इसके टॉप मॉडल में काफ़ी सेफ्टी फ़ीचर्स हैं। और फीचर्स की भी बात करें तो देखिए गाड़ियों में हर कंपनी की अपनी अपनी एक यूएसपी है, यूएसपी बिल्कुल सही। फोर्ड की बात करें तो सेफ्टी है, सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे उनके वो सेफ्टी कंसर्न ही होंगे। अगर आप मुझसे हुंडई की बात करें तो उनका थोड़ा सा जो कंफर्ट वाले फ़ीचर्स होते हैं ना, हुंडई की क्वालिटी थोड़ा ये है कि वो कंफर्ट वाले फ़ीचर्स ज़्यादा देती है। वो चीज़ है, वो देखो अपनी अपनी पसंद है सबको गाड़ी, ऐसा तो है नहीं कि किसी को सेफ्टी चाहिए किसी को प्लेजर चाहिए। लेकिन मैं तो कहूँगा जैसे इन्होंने बोला कपिल जी ने, सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। वो अब अगर बात करें सेफ्टी की, देखो जब मैंने अभी तो गवर्नमेंट ने भी 2 एयरबैग कंपलसरी कर दिए हैं, 1-2 साल से सब गाड़ियों में आ रहे हैं, तो इसमें पहले से ही 6 एयरबैग आते थे। तो मतलब इस कंपनी का भी विज़न थोड़ा ये था कि आप गाड़ी जो भी लो ड्राइव करो, आपको चलाने में मज़ा आना चाहिए, आपको सेफ्टी कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि लाइफ है 1-2 किलोमीटर से देखो कुछ नहीं कम पड़ता जाता है। अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी में अगर आप सपोज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। आप कितना 1-2 किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मैंने एनालिसिस भी करा था, आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, ओनर एक्सपीरियंस ऐसी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि लंबी मत बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हम काट सके, तो सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कोई मतलब एक मैं अपना गाड़ी अगर बताऊँ, मुझे चलाते हुए अप्रोक्स 10 ईयर हो चुके हैं। अच्छा, तो पेट्रोल भी चलाइए डीजल भी चलाइए, तो इसमें थोड़ा सा यही है कि जब हम गाड़ी देखो, अभी आप रिव्यू देखेंगे, सर का भी रिव्यू देखेंगे और भी बहुत लोगों का रिव्यू देखेंगे, रिव्यू में आप सारी बातें लेते हैं ठीक है, लेकिन जब आप लेने जाते हैं ना माइंड में काफ़ी पोच रहता है। बिल्कुल रहता है। एंड टाइम पे जब आप बाइंग डिसीजन लेते हैं तो आपको लगता है यार क्यों इतनी टेंशन लेनी, मैं जाके एक जो मार्केट में चल रहा है ना मैं वो उठा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जितना आप R&D करेंगे, आप चीज़ों को ग्रैब करें और फिर अपना जो आपकी पसंद है, देखो बिल्कुल भाई, देखो मुझे ड्राइविंग पसंद थी तो मारुति एक होने के बाद फिर मैं फोर्ड पे गया। अगर मुझे थोड़ा सा मैं फीचर्स की तरफ जाता या कंफर्ट वाली चीज़ होती मेरी ड्राइविंग में, तो मुझे हुंडई भी अच्छी थी। i20 पे जाते हैं अगर थोड़ा मिक्स चाहिए, लेकिन वहाँ पे बलिनो भी जा सकते थे, लेकिन वो थोड़ा क्वालिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है भाई, मार्केट शेयर 50% है मारुति का। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि लोग बाग थोड़ा सा उनको ही बोलें कि भाई आप थोड़ा सा सेफ गाड़ी बनाएं, सेफ गाड़ी बनाएं, नो डाउट गाड़ियाँ अच्छी होती हैं उनकी, कोई क्रिटिसाइज नहीं है, गाड़ी मेरे पास भी है ना। और बहुत से बोलते हैं कि मतलब मारुति की गाड़ियाँ, कोई निगेटिव कमेंट भी नहीं है, फोर्ड भी है मारुति भी है, ना हमें कोई फोर्ड कुछ दे रहा ना मारुति कुछ दे रहा, एक्सपीरियंस है जो अब तक देखो फील करा है। ये इसको सिटी में कितना माइलेज मिला आपको? सिटी में इसका 17-18 के आसपास मिलता, चाहे कैसे भी चला। मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, मैंने अभी इसके जो MID की बात करूँ, अगर पॉजिटिव की बात करते हैं, मैं आपको पहले माइलेज का दिखाता हूँ, मैं मिक्स चलाता हूँ और उसके बाद भी आप इसमें 20.4 का देख सकते हैं। अच्छा, 20.4 का ये ओवरऑल माइलेज दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है 27,675, यानी करीब 28,000 चला चुका है, और ये 20.4 का मिक्स माइलेज है। ज़्यादा सिटी में चली है या फिर ज़्यादा ये बाहर चली हुई है? नहीं, ये सिटी और हाईवे, मतलब मेरा ज़्यादातर रन यहाँ से मेरठ का होता है, तो आप लगा सकते हैं जो दिल्ली NCR में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ से मेरठ जाना भी मतलब 50-50 है कि आप हाईवे पे भी चलेंगे और आपको सिटी में भी यूज़ करनी पड़ेगी गाड़ी। सर्विस कॉस्ट की भी अगर हम सर्विस पे आते हैं तो पहली सर्विस जो थी कंपनी से फ्री मिलती है सबको, हर कंपनी में यही होता है, यही होता है। तो वो 2,500 रुपये थी, फ्री था, कुछ भी उसमें नहीं, जनरल चेकअप होता है। तो जो अभी तक कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? 3 सर्विस हो चुकी हैं इसकी। और कितना लगा? पहला तो फ्री था, पहला फ्री था, फिर दूसरे की बात करें तो दूसरा 10,000 पे होता है, ज़्यादातर कंपनियों का उसका वो सेकंड मतलब लेबर फ्री सर्विस होती है वो भी, उसमें मेरे 2,000 रुपये लगे थे सेकंड सर्विस में। और थर्ड सर्विस में? फिर थर्ड सर्विस जो थी 20,000 हुई थी, वो मेरी पेड सर्विस थी, उसमें अप्रोक्स 5,000 रुपीज मेरे लगे इंक्लूडिंग लेबर चार्ज। वंडरफुल। तो जो पहले लोग बोलते थे ना फोर्ड की सर्विसेज बहुत महंगी है, वो टाइम चला गया है, सर्विसेज उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल कर दिया। डीजल है, पहली फ्री हुई, दूसरी में 2,000 लगा, तीसरी जो 20,000 हुई है,
उस पे इनको लगा 5,000 करीब। तो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी थर्ड मतलब जो पेड सर्विस 30,000 पर आने वाली है, तो इसकी साइट पे भी मेंशन है। फोर्डी ऐसी कंपनी है जिसने स्टार्ट करा था कि साइट पे आप पहले देख सकते थे, अभी तो बहुत सी कंपनी में आप जाके साइट पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में क्या सर्विस आने वाली है, मतलब क्या प्राइस लगेंगे उसके। कुछ चीज़ें जैसे आपके में चेंज हुई या फिर आप कई बार हमको नहीं पता होता वो कुछ एक्स्ट्रा भी कर देते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन कर सकते हो ना उनको। ये लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब है, मतलब ये कि आपके माइंड में फिर भी एक फिगर उन्होंने दे दिया कि ये है, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो उसमें ये होता है कि भाई 10% ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आपको एक आइडिया है कि भाई आपको 20% या 30% मतलब इतना है कि इतना। आप अगर ऊपर जाते हैं तो आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरी इतनी सर्विस ज़्यादा क्यों जा रही है। वंडरफुल। क्योंकि मारुति में जो मैंने देखा है अभी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर भी होता है, जैसा मैं भी गया था, मैंने अपनी सारी सर्विस खुद ही करवाई है मारुति में भी, तो वहाँ पे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मेरी सर्विस में कितना पैसा लगने वाला है। वो क्या होता था कि सर्विस एडवाइज़र, भाई मुझे तो नहीं पता अभी मेरी गाड़ी में क्या क्या चेंज होगा, इस वाली सर्विस में ये मेजर है माइनर है या क्या क्या चेंज होगा, तो सर्विस एडवाइज़र ही बताता था कि सर आप ये चेंज कर लो ये चेंज कर लो। तो उसके अप्रोक्स कभी बिल ज़्यादा बैठ जाता था, कभी कम बैठ जाता था, तो एक आइडिया नहीं मिल पाता था। बिल्कुल। लेकिन फोर्ड ने बहुत अच्छा, लेकिन फोर्ड से ये कि क्लियर हो गया, जैसे कि 5,000 अगर साइट पे है तो अगर वो कुछ बताते हैं तो भाई 19-20 हो सकता है, चलो 5.5 हो गए 6 हो गए, लेकिन 10 नहीं हो सकता। तो ये प्लस पॉइंट है कि जैसे और भी कंपनियां धीरे धीरे कर रही हैं, तो कुछ भी चीज़ें होती हैं, देखो हर कंपनी बेटर करने के लिए ही करती है। बिल्कुल। आपकी मैंने टाटा की भी गाड़ी जैसे देखी, मेरे कज़िन है उन पर भी टाटा की नेक्स्ट सोनी है। अच्छा। तो जब टाटा की गाड़ी आई थी तो टाटा के साथ भी सेम यही था, लोग बाग डरते, तो देखो अभी भी है लेने से थोड़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी अच्छी है। हम उन्होंने उनकी गाड़ी को भी 3 साल होने वाले हैं, नेक्सोन जब लॉन्च हुई थी तो उन्होंने वेटिंग पे ली थी, 20 दिन का वेटिंग मिला था उनको। एक्सपीरियंस कैसा था उनका? एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी भी गाड़ी अप्रोक्स इतना ही चल चुकी है, डीजल है, उनकी भी डीजल ही थी। तो ये एक कंपनी देखो इम्प्रूवमेंट करती हैं, बाकी सर्विस में जो इश्यूज आते हैं वो किसी भी कंपनी के साथ एक इंडिविजुअली एक्सपीरियंस है सर्विस। ये आपके साथ ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की रेपो वहाँ समझ में आती है कि अगर आपने आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस खराब हुआ है, आपकी वो जो मतलब प्रॉब्लम है उसको कितनी जल्दी रेक्टिफाई कर रहे हैं। यार ये इशू है, गाड़ी है, प्रोडक्ट बना है, सर्विस सेंटर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, इशू नहीं आएगा। इशू तो आएगा ही आएगा, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी रेक्टिफिकेशन मिलता है, कितनी जल्दी रेजोल्यूशन मिलता है, ये डिपेंड करता है कि सर्विसेज उनकी अच्छी है नहीं। जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब पर्टिकुलर आप किसी भी कंपनी का आप उठा लीजिए, आप जो देखो मारुति का इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर उन्हीं का है, तो ऐसी बात नहीं, उनकी गाड़ियों में भी कमियाँ आ जाती हैं, वो रिकॉल कर लेती हैं, ये प्लस पॉइंट आता है कंपनी की तरफ से। ये ऐसा नहीं होता कि भाई मशीन है देखो खराब हो सकती है। प्लस तो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा नेगेटिव की बात करो। नेगेटिव बता दीजिए। तो नेगेटिव ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब दिन है तो रात है, अच्छा है तो बुरा, तो प्लस नेगेटिव। नेगेटिव अगर बात करी जाए तो थोड़ा सा एक्सटीरियर में यह है कि जैसे मार्केट में ट्रेंड चल रहा है LED और DRLs का, तो ये गाड़ी में उस चीज की देखो कमी है, लेकिन ये ऐसा पॉइंट नहीं है कि इस गाड़ी को लेने वाला कि उसकी वजह से इस गाड़ी को ड्रॉप कर दे। डील ब्रेकर नहीं है। RL और प्रोजेक्टर की जो है वो मेन कमी है, बाकी तो मेरा बेस मॉडल ही था तो इसमें ऐसी कुछ खास अगर अच्छा। मुझे कमी नहीं लगी। तो आपको लगा जो इंटीरियर जो चेंजेस ये इको स्पोर्ट में भी दिखता है, बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत जल्दी ये लोग चेंजेस नहीं करते, तो फोर्ड के लिए ये फीडबैक है, उनको जो आउटर मॉडिफिकेशंस या आउटर जो चेंजेस हैं वो उनको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा और कोई नेगेटिव आपको? इंटीरियर में थोड़ा सा ये कहूँगा कि इंटीरियर में थोड़ा सा और प्रीमियम और हो सकता था। हाँ, जैसे टॉप मॉडल है उसमें है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कलर जैसे ब्राउन में आता था, इसका टॉप मॉडल में ब्लैक एंड ब्राउन आता है, तो वो ब्राउन थोड़ा सा कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, तो इस वजह से था कि मतलब थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी जैसे इको स्पोर्ट में आती है अंदर से, बिल्कुल वैसे नहीं, थोड़ा सा उससे 19 है क्या मतलब। अच्छा, तो आपने एक्सटीरियर बता दिया, इंटीरियर बता दिया, और कोई कमी आपको लगती है नेगेटिव जो आपको? नहीं, ड्राइविंग, हाँ ड्राइविंग में यह है कि अगर बात करें तो ये जो इसका ए पिलर है तो जो नया चलाता है, तो गाड़ी मतलब अगर आप चलाओगे इसको तो समटाइम्स ये मतलब एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। तो मार्केट में अगर आपकी बात करें तो टाटा बहुत अच्छा कर रहा है, टाटा तो इसके कॉम्पिटिशन में टाटा की अल्ट्रोज है 5-स्टार रेटिंग के साथ आई है, तो हर गाड़ी के अपने प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस है, तो जिन लोगों को है कि भाई मुझे रनिंग ज़्यादा है वो जा सकते हैं मारुति के साथ। और एक बार बताइए कपिल जी, जब आपने डीजल चूज़ किया था, पेट्रोल भी दिखा होगा, तो आपने दोनों चला के देखी थी, पेट्रोल डीजल, तो डिफरेंस आपको कितना लगा?
नहीं डिफरेंस तो है, मैंने कहा पेट्रोल और देखो डीजल इंजन का नेचर ही अलग है। हाँ लेकिन अगर आप पेट्रोल से पेट्रोल की कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि उस इसका जो पेट्रोल इंजन आता है वो भी 3 सिलेंडर है, और टाटा की अल्ट्रोज जो है या टाटा की टियागो ये भी 3 सिलेंडर है, तो चलाने में फ़र्क तो है। बाकी कंपनी भी अगर बात करें, टाटा की अल्ट्रोज ही है जो इसके सेगमेंट में, और फोर्ड की फ्री स्टाइल है अभी आपको हैचबैक में जो डीजल में मिलेंगी, और डीजल में अल्ट्रोज भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैंने ड्राइव करी है। अच्छा। तो उसके साथ प्लस पॉइंट ये कि आपको और भी सेफ्टी से 5 स्टार है, तो वो भी मिल जाती है। उसका प्लस पॉइंट ये कि उसकी सर्विस इंटरवल 15,000 है अल्ट्रोज का, डीजल का। डीजल इसका 10,000, इसका 10,000 ही है, बाकी नॉर्मली ज़्यादातर 10,000 ही होता है, लेकिन टाटा इंडियन कंपनी में तो टाटा ही है जो 15,000 देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं सर्विस को मेंटेन कर लेता है, कान इधर की जगह इधर से पकड़ने वाली बात होती है। सही कह रहे हैं, कोई शुरू में ज्यादा ले लेता है पैसे आपसे, कोई बाद में लेता है, कोई चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है, हर किसी को पैसा चाहिए, कोई ऐसे लेता है कोई ऐसे लेता है, सबको कमाना। थैंक यू कपिल जी। अब मैं कुछ फटाफट खत्म करने से पहले फटाफट बोल रहा हूँ, सर्विस आपके लिए, आप हैप्पी हो सर्विस से? सर्विस की बात करूँ तो फोर्ड की सर्विस में सेंटर में जाते हुए ज्यादा थोड़ा प्रीमियम सा फील होता है, मारुति का मैं ऐसा लगता है कि 6-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मतलब ठीक है गाड़ी ले ली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा है, देखो कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है तो हर कंपनी के साथ ऐसा हो सकता है। तो सर्विस की बात के लिए हमने माइलेज आपको अच्छा मिल रहा, और इसका बिल्ड तो बहुत अच्छा आपने बोल दिया, ड्राइवेबिलिटी आपको पसंद है, इंजन अच्छा है, सब कुछ कवर हो गया। तो क्या अगर मैं नेक्स्ट की भी बात करूँ, अगर नेक्स्ट अपग्रेड भी होगा तो देखो अभी तो नहीं है 1-2 साल तो, लेकिन अगर 3-4 साल में होगा तो देखो फोर्ड की गाड़ी पे ही होगा। ये मतलब ड्राइविंग के मामले में बताएं तो अभी तक मतलब इस प्राइस रेंज में और इस सेगमेंट में इससे अच्छी ड्राइवेबिलिटी हैंडलिंग किसी की नहीं। आपको मतलब एक सेफ्टी का कंसर्न यही नहीं होता कि आपकी बिल्ड अच्छी है, और चीजें भी मतलब आपकी पावर भी अच्छी है अगर, तो आपको एक सेफ वैसे भी फील होता है कि आप किसी भी गाड़ी के साथ कभी भी कम्पीट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है अगर आप कंसर्न करें। मैं ये कहता हूँ, इन्होंने सब एक्सपीरियंस शेयर कर लिया, इनका देखो जो फाइनल इनका वर्ड था, उन्होंने बोला अगर जो नेक्स्ट अपग्रेड होगा वो इनका फोर्ड पे ही होगा, तो इसे कहते हैं ट्रस्ट, इसे कहते हैं ब्रांड में जो भरोसा बनता है ना लोगों का गाड़ी चलाने के बाद, इसको कहते हैं ट्रस्ट। सो थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच। कोई लास्ट वर्ड आप कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि सर आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं सर का चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और सर की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं भी सर से मिला एक वीडियो के मतलब मीडियम एक वीडियो ही था, सर ने अच्छी वीडियो बनाई, यूज़र एक्सपीरियंस सर का भी अच्छा ही था, मतलब अच्छा बेकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर का तो काम एक वो है कि मतलब मीडियम है, सर का न्यूज़ देना है, आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना बहुत शर्म आती है कैमरे में कहने में, प्लीज सब्सक्राइब कर दो करके, लेकिन आपने कहा थैंक यू सो मच। नहीं सही, थैंक यू। तो ये था इंटरव्यू और इनका एक्सपीरियंस कपिल जी का, बहुत अच्छा रहा है। अगर किसी को गाड़ी लेनी है फोर्ड को कंसिडर कर सकते हैं, आँख बंद नहीं, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन जो इन्होंने 2 साल का यूज़र एक्सपीरियंस दिया, और ये भी बोला है कि अगर इनकी जो दूसरी गाड़ी की फोर्ड की होगी तो ये बहुत कुछ कह जाता है एक ब्रांड के बारे में। तो यही था एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच गाइस। सो आपसे मिलते हैं दोबारा किसी एक इस वीडियो में, टिल देन टेक केयर सेल्फ, बी हंबल, बी पोलाइट, बाय गाइस। अभी हम बैठ रहे हैं फीगो में और हमारे डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं। इसका गेट बंद करके कितनी सॉलिड फील है, सबसे पहले हाँ। और अभी ये डीजल चला रहे हैं हम लोग, तो हमारे अभिषेक जी अरे लिटरली सॉलिड फील, वाओ। चलो तो रहा वो क्लच छोड़ते, जो एसी अभी ऑन है, चार लोग बैठे हैं, वेलफेयर एडल्ट्स हैं चारों के चारों, और सिर्फ क्लच पे हो रहा है ये सब कुछ। अच्छा। और ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए ऑफ रोडिंग सी है, जो अर्बन जंगल में ऑफ रोडिंग होती है वो यही होती है। इसका जो फुटवेल है वो अच्छा खासा खुला है। अच्छा। मतलब आपको एक बड़ी गाड़ी की फील आ रही है, बहुत मुझे अच्छी खासी स्मूथ लग रही है, और इसका सब कुछ बड़ा फिट एंड फिनिश बड़ा अच्छा है। ये हैंड ब्रेक, ये गियर, ये स्टेयरिंग, और नीचे जैसे जो पैडल्स हैं बिल्कुल भी उनमें फ्री प्ले नहीं है। अच्छा। एकदम अच्छे हैं सर। कितनी हो गया इसको टाइम? इसको 2 इयर्स होने वाले हैं। 2 इयर्स के हिसाब से तो मतलब है अभी 28,000 के आसपास, 28 चल गई है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सही लग रही है। स्टेयरिंग कैसा है? स्टेयरिंग बहुत अच्छा है, बहुत मतलब की
अच्छा फीडबैक है, मैं इसको जहाँ पॉइंट करना चाह रहा हूँ वहाँ जा रही है। देखो फ्री प्ले नहीं है, हल्का सा कर रहे हो तो गाड़ी हो रही है। इसका एनी आइडिया टर्बो कब किक होता है, कितने पे हो रहा है ये? इसमें इस एक बेस में बेस मॉडल में ये नेगेटिव रहेगा था। स्पेस तो बना हुआ है यही आता होगा जो तीसरा, ये तो क्या मतलब आरपीएम तो हर कोई देता ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत करते, अगर आप स्विफ्ट अभी का तो मुझे पता नहीं, बेस मॉडल में भी नहीं है, नहीं आता स्विफ्ट के बेस मॉडल में भी नहीं आता। वो स्क्रीन भी इतनी छोटी वाली किनारे देते हैं, उसको तो अलग ही है एकदम। ये क्या तो कंपनी करने कंपनी करती है थोड़ा कॉस्ट आरपीएम मीटर ये तो अब नॉर्मल हो गया ना, तो किस टाइम आरपीएम मीटर एक लग्जरी चीज हुआ करती, थोड़ी स्पोर्टी कार्स में होता था, नहीं तो एक ही मीटर था बस। बस भाई 500 रुपए एक्स्ट्रा ले लो यार आरपीएम मीटर लगवा दो। अरे कि ये ऐसी चीज है ना बाहर से लग भी नहीं सकती ना, उसका बड़ा जानदार इसकी आवाज है, आवाज तो बड़ी। इससे पहले जो मेरे पास वरना थी ना 110 bhp की, एकदम वो वाली फील दे रही है। दिन भर अगर चलाओगे तो बोर नहीं होगे, आपका मन करेगा जब एक्सीलेटर पे पैर दूं आप स्माइल करोगे। इसके साथ ये भी है कि अगर आपका मूड खराब हो ना आप इस गाड़ी को लेकर निकलो, आप इसको कितना ही बहुत ये इसे कहते हैं फन टू ड्राइव रेव हैप्पी इंजन, कितना ही रेव करो कोई इशू नहीं यार। मुझे मैं पीछे बैठा मुझे तक फील हो रहा है, ये सोच लो हाँ अगर पैसेंजर्स को एकदम जर्क आ रहा है तो मतलब है। तो ये कैसी गाड़ी है? कोई नहीं आप एक बार इधर इधर ले चलो। सीटिंग पोजीशन है काफी अच्छा है, खुला खुला लगता है। एक्चुअली मैं नेक्सॉन चला रहा हूँ डीजल, तो उसी हिसाब से कंपेयर करूंगा मैं, तो काफी खुला है। इतने आगे सीट करने के बाद भी मुझे काफी जगह मिल रही है और जिसकी पोजीशन भी काफी अच्छी है, यहाँ पे काफी खुला जगह मिल जाता है। क्लच थोड़ा हैवी लगा, 2 साल हो गए तो ऑब्वियसली। ये मतलब ऐसी नहीं है, ये आपके चेहरे पे स्माइल जरूर लाएगा। मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ स्माइल दोबारा, चलाने वाला बंदा है उसको को फोर्ड बढ़िया लगेगी। अभी पीछे से बड़ी गाड़ी आ जाती है, सपोज आप छोटी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक या तो साइड देंगे या आपको लगता है कि हाँ ये ऑटोमेटिक आगे निकल जाएगी। दूसरे पे 60 तक ले जा रही है, ज्यादा ले जा सकती है लेकिन इसकी आवाज से लग रहा है 60 से ऊपर भी आराम से जा सकती है। आप जितना इसका जो फीडबैक है ना इतना बढ़िया है स्टीयरिंग का, हल्का सा करने पे ये टर्न ले रही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 190 mm है, तो उस हिसाब से बॉडी रोल नहीं है, बॉडी रोल भी नहीं है, तो इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। मैं तो पूरा रेकमेंड करूंगा, बहुत 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 पंची गाड़ी है और माइलेज देखिए, इतना पंची होने के बाद भी माइलेज का काफी अच्छा है इस गाड़ी के पीछे। अरे ये तो तैयारी रहता है हमेशा खींचने के लिए यार। गाइज वंडरफुल कार डीजल, अगर किसी को ऑफ्ट करना है तो डेफिनेटली दे कैन लुक फॉर द डीजल, आपको आपको वास्तव में मजा आएगा। तो अभी हम जाके अब निक्सॉन ड्राइव करते हैं, फिर उसके बाद वी विल शेयर द एक्सपीरियंस। तो माइलेज देखो, माइलेज भी काफ़ी अच्छी है और माइलेज के साथ साथ आपको पावर डिलीवरी, बहुत फन टू ड्राइव कार है। तो अगर किसी को माइलेज ओके चाहिए और उसके बाद माइलेज के साथ साथ फन टू ड्राइव कार चाहिए और सेफ कार चाहिए, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर कोई डीजल देख रहा है उसका रन ज़्यादा है तो दिस इज़ अ गुड पिक एंड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड गो फॉर दिस वन एंड यू कैन बाय दिस वन।